सुनील जी, कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक महापरिवर्तन रैली का आयोजन किया था, तो आपको क्या परिवर्तन नजर आया? देखिए, सच्चा परिवर्तन तो वो होता है जो जनता कर दे। जनता ने परिवर्तन कर दिया है, कांग्रेस को बेदखल कर दिया है इस देश और प्रदेश से, और भारतीय जनता पार्टी जो एक जनहितैषी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है देश में और प्रदेश में, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो उदय की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के पास है, मनोहर लाल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन नए आयाम छूता जा रहा है, इसलिए देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए अपना मन बना लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया था और कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया था। ये वही मुख्यमंत्री है जो चंद दिल्ली में इसने एक बैठक के अंदर कहा था कि मैं पहले मुख्यमंत्री हूँ, पहले जाट हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ। मनोहर लाल की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तुलना करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके सामने जीरो साबित होता। हमारा मनोहर लाल जी कहता है हरियाणा एक, हरियाणा भी एक है। वो कहता है मैं किसी जाति विशेष का, हमारे यहाँ कोई जातिया नहीं, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता और हमारा मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहा है। हर 36 बिरादरी के लोग हमारे प्रदेश के मनोहर लाल के सहयोग को तैयार बैठे हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ केवल गरीब व्यक्ति का उदय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति आगे बढ़ा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई इतने मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, 10 साल तक रहा जब कहा उप मुख्यमंत्री थे। इसने तो अपनी पार्टी के नेताओं को राजनीतिक तौर पर ही बेदखल कर दिया, इसने 5-10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को भी समाप्त कर दिया, और एक भाईचारे के जो प्रदेश में माहौल जो खराब हुआ उसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। और आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कोई टीस नहीं है कामों के प्रति, ना ही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। इसको तो अपना गुट आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस जो गैंगों में बटी हुई है, किसी गैंग का किरण चौधरी निर्वाह करती है, किसी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव, तो गैंगों में बटी हुई पार्टी है जिसको जनता ने नकार दिया, तो अपने अपने गैंग को आगे बढ़ाने के लिए नंबर वन बनाने के लगे हुए हैं। इसका जनता के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है कांग्रेस पार्टी का। सुनील जी, मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गोंडा में आ रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा क्या रूट रहेगा? देखो, मनोहर लाल जी 5 साल से हरियाणा की जनता के दुविधाओं को दूर करने के लिए, उनको जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने 2400 घंटे तन मन धन से लगे हुए हैं, और ये प्रदेश की जनता बार बार यही चाहती है कि मनोहर लाल जी उनके बीच में बार बार आएं। मनोहर लाल जी का, भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश की जनता का एक गहरा रिश्ता विकास का जुड़ चुका है, और मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में 18 तारीख से लेकर के एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है जो 23 तारीख को हमारे जिले में आएगी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी नेता पूरे सोनीपत की जनता के साथ, गोहाना, बरोदा, हलका, राई सभी हलकों के साथ पूरी हलकों की जनता मनोहर लाल जी का पलकों पर बिठा करके स्वागत करेगी।